दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, और खासकर उन यूजर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग फ्लैगशिप रेंज का स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। आप सैमसंग बोल लो या पिक्सल बोल लो या फिर हुआवे का फोन ले लो, क्योंकि इन सारे फोन में अगर आप देखोगे जो प्रीमियम रेंज के स्मार्टफोन है उसमें जो चार्जिंग पोर्ट आता है वो टाइप सी टू सी पोर्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन यूजर्स को प्रॉब्लम यहां पर आकर अटक जाती है कि अगर इनका फोन डिस्चार्ज हो गया और पावर बैंक यूज करना है तो पावर बैंक इनके लिए कौन सा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट में अभी जो भी पावर बैंक अवेलेबल है वो आपको जो उसमें केबल यूज होता है वो डेटा केबल के टाइप से ही बहुत पुराने टाइम का जो यूज हो रहा था आज भी वही हो रहा है। और मार्केट में इक्के दुक्के ही कुछ हैं पावर बैंक जो कि आपको टाइप सी टू सी पोर्ट का फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपके पास प्रीमियम रेंज का हैंडसेट है और उसमें सी टू सी पोर्ट यूज होता है तो आपको पावर बैंक कौन सा यूज करना चाहिए और उसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिले, मतलब विद इन 1.5 आवर्स या मैक्सिमम 2 आवर्स में आपका बैटरी चार्ज हो जाए और आपको स्पीड भी अच्छा मिले और साथ ही साथ सी टू सी पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, और खुद पर्सनली भी मैं 4-5 पावर बैंक यूज कर चुका हूं लेकिन उसे मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। लेकिन फिलहाल जो मैं पावर बैंक यूज कर रहा हूं उसे मैं पर्सनली बहुत खुश हूं। तो चलिए, वीडियो में बिना डिले किए हुए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, मैं जल्दी से उस पावर बैंक की तरफ आपको लेकर चलता हूं और बताता हूं कि आखिर मैं किस पावर बैंक के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं आपसे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आपको पावर बैंक की तरफ में लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, यही है वो पावर बैंक जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं आज। ये रियलमी की तरफ से आता है और काफ़ी सॉलिड प्रीमियम फील देता है ये पावर बैंक। ये पावर बैंक 10,000 mAh का है और इसका जो मार्केट प्राइस है वो अराउंड 1,300 रुपीज़ है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो 10,000 mAh का पावर बैंक आता है उसका प्राइस मतलब कमी होता है, आपको 800 में भी मिल सकता है, आपको 1000 में भी मिल सकता है। जो कि MI का पावर बैंक है वो 1000 में ही आता है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा है तो इसमें फैसिलिटीज़ भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो आप पावर बैंक है ये मैट फिनिश के साथ में आता है और काफ़ी प्रीमियम फील हाथ में अगर आप इसे पकड़ोगे, आप इसे साथ में लेकर अगर आप चलते हो तो काफ़ी प्रीमियम फील भी आपको देता है। और मैट फिनिश होने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको स्क्रैचेज आसानी से देखने के लिए नहीं मिलते हैं। फ्रंट साइड में आपको रियलमी का ब्रांडिंग देखने के लिए बड़े बड़े वर्ड में मिल जाएगा और बैक साइड में आपको कुछ यूज़र्स गाइड देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही छोटे अक्षरों में है, बहुत ईजिली विजिबल ये होने वाला नहीं है। अगर आप ऊपर की ओर देखोगे तो आपको सबसे अच्छी बात जो मैं बता रहा था, आपको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा और जो ट्रेडिशनल केबल के साथ यूज होता है ए पोर्ट का वो भी है यहाँ पे। और इसके पास में ही आप देखोगे तो आपको ये 4 इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा और इसके बगल में आप देखोगे तो पावर ऑन ऑफ बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऊपर की ओर में आपको यही 4 चीज़ देखने के लिए मिलता है और इसके बॉटम पूरी तरीके से ब्लैंक है, इसके बॉटम में कुछ भी नहीं है। तो यही था इसके डिज़ाइन का एक ओवरव्यू। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो दोस्तों, डिज़ाइन के बाद अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। दोस्तों, किसी भी यूज़र्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका पावर बैंक स्मार्टफोन को कितने देर में चार्ज कर दे रहा है। अगर आपका पावर बैंक आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने में 4 घंटे या 5 घंटे लगाएं तो वैसा पावर बैंक का कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन इस पावर बैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 18 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाता है। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग करने का मतलब है कि अगर आपका 4000 या 4500 mAh का फ़ोन है जो कि आपका जो बैटरी है वो 4000 या 4500 mAh का है तो उसको ये अराउंड 1.5 आवर या फिर 1.25 घंटे में फुल चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ही डिसेंट टाइम है, बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आपको अपने स्मार्टफोन के साथ इसे कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा, सैमसंग नोट 10 प्लस के साथ में, जिसमें अराउंड 4400 mAh का कैपेसिटी है उसके बैटरी का और उसे ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो 1.5 आवर में फुल चार्ज कर देता था। तो ये बहुत ही डिसेंट टाइमिंग है, बहुत ही अच्छा आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब आप इसे डुअल पोर्ट में यूज़ कर रहे होगे, मतलब इस पावर बैंक को एक साथ अगर आप किसी भी काम में, मतलब या तो आप इस पावर बैंक को चार्ज में लगा रखे हो और फिर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हो, या फिर आप इस
पावर बैंक से दो फोन चार्ज में लगा रखे हो, दोनों ही कंडीशन में इसका जो आउटपुट है वो 5 वाट पे चला जाता है, मतलब फास्ट चार्जिंग खत्म हो इसका होता है। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, लेकिन एक बार में नॉर्मली लोग एक फोन को ही यूज में लगाते हैं। तो आप अगर सिंगल पोर्ट के लिए इसे यूज करोगे, सी आप अगर एक फोन यूज कर चार्ज में लगाओगे एक टाइम में, तो आपको 18 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात अपने माइंड में अच्छे से रखिएगा कि अगर एक साथ इस पावर बैंक को आप दो फोन कनेक्ट कर दोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली 5 वाट पे चला जाएगा। दूसरा, अगर इसका मैं आपको फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, तो ये डुअल आउटपुट के साथ में भी ये फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है। डुअल आउटपुट करने का मतलब ये है कि इसमें आपको जो ए पोर्ट है, मतलब सपोज़ कि कुछ लोगों के पास में सी पोर्ट वाला फ़ोन नहीं होता है, मतलब अभी भी जो मिड रेंज का जो जो फ़ोन मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसमें सारे में आपको सी पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उनके फ़ोन में टाइप ए पोर्ट वाला ही मतलब चार्जिंग केबल होता है, तो उसके लिए भी इसमें फैसिलिटी दिया गया है। डुअल आउटपुट के साथ में आता है जिसमें से एक आपका टाइप ए का है और दूसरा टाइप सी का है। टाइप ए वाले अगर आपके पास फ़ोन है तो आप इसमें लगा के यूज़ कर सकते हो, और सी वाला इसमें लगा के यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है इस पावर बैंक में। अगर आपको इसके बैटरी के बारे में आपको मैं बताऊं, तो इसमें 10,000 mAh का हाई डेंसिटी लिथियम पॉलीमर बैटरी प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। अब कंपनी क्लेम तो ये करती है कि इट कैन रिटेन अप टू 100%, मतलब 100% तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको मिलेगा, बट कंपनी का ये बोलना है कि इट कैन रिटेन अप टू 100। लेकिन अगर आपको 80-90% भी मिल जाता है तो दूसरे पावर बैंक के कंपैरिजन में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। और मतलब कंपनी का ये भी बोलना है कि 100% जो आपको फुल कैपेसिटी मिलता है वो 500 रिचार्ज साइकिल के बाद भी मिलता है। तो ये अब तो यूज़ करने पे है, ये तो खुद मैं 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि खुद भी मैं इतना अभी यूज़ नहीं कर पाया हूँ कि 500 तक कर लूँ। हाँ, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें 80-85% का कैपेसिटी है, 100% तो मुझे भी नहीं लगा। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पावर बैंक का इस्तेमाल अपना स्मार्ट वॉच या फिर ऐसा प्रोडक्ट को चार्ज करने में भी यूज़ करते हैं जिसमें बैटरी कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। अगर आप स्मार्ट वॉच का बात कर लो तो उसमें बैटरी कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। अब उसके लिए अगर आप इस पावर बैंक को यूज़ करोगे जो कि 10,000 mAh का है और 18 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग है, तो वॉच ख़राब होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए भी इसमें एक फैसिलिटी दिया गया है, वो फैसिलिटी ये है कि यहाँ पे जो इसका पावर बैंक का स्विच ऑन ऑफ बटन है, ठीक है, एक बार सिंगल प्रेस अगर आप करते हो तो ये ऑन होता है। आप देख लो, 4 इंडिकेटर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक बार अगर ऑन करते हो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत कम बैटरी कैपेसिटी वाला कोई भी प्रोडक्ट को चार्ज करना है, तो इसको आप यहाँ पर सिंपली 2 बार दबाओ। 2 बार दबाने से ये होगा, अब आप देखो एक डॉट डॉट करते हुए ये जल रही है। तो इसका जो कैपेसिटी है वो 5 वाट पे चला आता है और बहुत स्लो चार्ज ये फिर आपको देता है, जो कि कम एमएएच वाला जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए बहुत ही इफ़िशियंट होता है। तो ये फैसिलिटी भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जो कि मैं अभी तक किसी पावर बैंक में नहीं देखा हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर इस पावर बैंक को मैं फ़ोन के साथ में कनेक्ट करता हूँ जिसमें अराउंड 4400 mAh का बैटरी कैपेसिटी है, तो ये इसे कितने देर में चार्ज कर देगा। ये देखो, मेरे पास सैमसंग नोट 10 प्लस है जिसमें अभी 33% बैटरी अवेलेबल है, और मैं अभी आपको इस फ़ोन को इस पावर बैंक से कनेक्ट करके देखता हूँ कि और कितना टाइम दिखाता है इसे फुल चार्ज करने में। लेकिन जब ये अराउंड 5% हो जाता है तभी इसे फुल चार्ज करने में मेरे को 1 आवर 30 मिनट शो करता है। तो अभी मैं आपको इसे लगा कर भी दिखाता हूँ, आप ये देख लो, 1 घंटे 14 मिनट अंटिल फुल चार्ज दिखा रहा है, फास्ट चार्जिंग भी साफ दिखा रहा है आपको। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आप खुद समझ सकते हो, 1 घंटा 14 मिनट में ये दिखा रहा है, तो 1 घंटा 30-40 मिनट में ये फुल चार्ज कर देता होगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको शायद अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप कोई अच्छा पावर बैंक जिसका कि फास्ट चार्जिंग हो और बैटरी आउटपुट भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही हो और साथ ही साथ
मोर इम्पोर्टेंटली सी पोर्ट भी अवेलेबल हो, क्योंकि आजकल सी पोर्ट वाला फ़ोन देखने के लिए बहुत मिलता है। अगर आपको सी पोर्ट नहीं मिलेगा तो यही होगा कि फिर आपको 500 या फिर और कुछ पैसे लगाकर वो ट्रेडिशनल डेटा केबल परचेज करना पड़ेगा, जो कि फालतू का एक सरदर्दी है। आपको अलग से वो केबल लेकर चलना पड़ेगा, तो ऐसा आपको ना करना पड़े इसलिए आप इस पावर बैंक को कंसिडर कर सकते हो। ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों आज के वीडियो के लिए।